नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम 17 नवंबर को डेट फिक्स्ड है और जो अभी र्यूमर है कि 1200 से प्लस सीटें रहेंगी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी के बाद अगली वैकेंसी हमेशा छोटी आती है। अगर हम 71वीं की बात करेंगे तो थोड़ी छोटी वैकेंसी होगी और 72वीं की जो वैकेंसी आएगी फिर वो बड़ी वैकेंसी होगी। तो टोटल जो प्रोसेस है अभी से वो 2-2.5 साल के बाद हमें मौका मिलेगा फिर से। तो ये जो मौका है इसमें अगर हम थोड़ा भी सीरियस हो जाते हैं, थोड़े भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हम आराम से सफल हो सकते हैं। इस 60 दिन को हमें जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना अपने आप को तपा सकते हैं, जितना अपने आप को रगड़ सकते हैं उतना रगड़िए। देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। सफलता का सिर्फ एक पैमाना है, मेहनत करना। जो इंसान अभी से अगले 60 दिन में मेहनत करेगा वही सफल होगा। 17 नवंबर में अभी से 60 दिन से एक आध दिन ज़्यादा है और थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ाई कीजिएगा आप, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कीजिएगा तो जो स्मार्ट वर्क कहते हैं कि कम मेहनत में हम लोग ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं वो हम काम कर सकते हैं। इसके लिए SRS क्लासेस के द्वारा एक बैच लाया गया है जिसको मोक्ष बैच नाम दिया गया है। और मोक्ष इसलिए दिया गया है कि हो सकता है कि ये आपके संघर्ष से आपको मोक्ष दिलाए। जिस दिन आपकी आखिरी सांस चलेगी उस दिन ये आपको दुख नहीं होना चाहिए कि काश उस दिन सोच लिया होता और काश उस दिन एक बार तैयारी कर ली होती। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बैच का नाम मोक्ष रखा गया है। थोड़ा सा इस बैच के बारे में बता देता हूँ और फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या होना चाहिए बुक लिस्ट और कैसे हमें तैयारी करना है, ठीक है। तो ये जो बैच है ये 60 दिन का बैच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 60 डेज का बैच है। इस बैच में आपको ये क्लासेस का डिटेल है, जैसे कि डे वन को आपको पढ़ना है भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। ये सबसे पहले आपका मेडिवल हिस्ट्री चलेगा और पॉलिटी साथ में चलेगा, पॉलिटी का जैसे संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, ये टॉपिक चलेगा। इस क्लास के बाद ये क्लास लगभग होगा आपका 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, डिपेंड करता है जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तब तक। उस क्लास के बाद आपको एक होमवर्क दिया जाता है। ये होमवर्क आपका पैटर्न है, जैसे ये क्लास 4th का होमवर्क है मेडिवल हिस्ट्री का, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बैच जो है ये मैक्सिमम हिंदी में रहेगा और इसमें आपके डिपेंड ऑन द टॉपिक 10 से 12 या 15 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इस वाले में आपके 12 क्वेश्चन हैं और इसको आपको करना होगा। जो टॉपिक पढ़ाया गया है इस 12 में से 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से होंगे, 2 क्वेश्चन बाहर से होंगे कि आप अपना दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। अब इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो 5th क्लास होगा उसमें सबसे पहले टीचर इस क्लास को डिस्कस करेंगे। अब इस होमवर्क मॉडल से फ़ायदा क्या होता है, इसको हम लोग होमवर्क मॉडल कहते हैं। होमवर्क मॉडल से फ़ायदा क्या होता है, जब हम शुरुआती दौर में स्कूल जाते थे तो हमें होमवर्क दिया जाता था। होमवर्क से क्या होता है, जैसे अभी जो क्लास में पढ़ाया गया आप क्लास के बाद अगर 12 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये होमवर्क दिया जाएगा तो आप उस क्लास को ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन हो जाएगा और हर क्वेश्चन के माध्यम से आपका वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और जो नहीं समझ में आएगा आप एक बार टॉपिक को देख लीजिएगा। फिर अगले 24 घंटे के बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें इस होमवर्क को डिस्कस किया जाएगा, तो वो टॉपिक आपका एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ रिवाइज हुआ, सेकेंड टाइम जब वो टॉपिक आपका डिस्कशन होगा तब रिवाइज होगा, और थर्ड आपका जो टेस्ट होगा कुछ दिनों के बाद वो तीसरी बार रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद जो आप अपने सिलसिलेवार ढंग से जब एग्जाम के लास्ट दिनों में रिवाइज कीजिएगा वो अलग है। तो जब ये 3-4 बार जब टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है तो वो आपके जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये जो PDF है कि किस दिन क्या है, 60 दिन का प्लानर है, हर दिन आपको 2 क्लासेस चलेंगी और इसी के हिसाब से जैसे अब इसके बाद से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा और साथ में आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टार्ट होगा, यहाँ बिहार स्पेशल चलेगा, फिर ज्योग्राफी चलेगा, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, फिर इंडियन इकोनॉमी चलेगा, फिर करंट अफेयर चलेगा और मैथ्स चलेगा, ठीक है। जो टोटल जो हमारा जो टॉपिक है सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं कवर करेंगे, थोड़ा स्मार्टली कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री,
अब हिस्ट्री में क्या है कि जो ये पूरा का पूरा 100% है, तो मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से 50% क्वेश्चन आते हैं, यहाँ इस एरिया से समझ लीजिए आपके 30% क्वेश्चन आते हैं, और इस एरिया से आपके समझ लीजिए 10% क्वेश्चन आते हैं। अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो आप स्मार्टली ये टॉपिक अगर ये तीन टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्मार्टली जो है वो मैक्सिमम जो आपका सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। तो टीचर जो भी टीचर इसको पढ़ा रहे हैं वो उनका प्रयास यही रहेगा कि पूरा टॉपिक को एक बार ओवरव्यू दे दें और मैक्सिमम जो आपका स्मार्ट एरियाज है, जो स्मार्ट जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आपको बताएं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि ये जब हम लोग 60वें दिन जब पहुंचेंगे, लगभग 8/11 को लास्ट क्लास होगी इसकी, तो 8 नवंबर को हमारे पास पूरा सिलेबस हमारा विथ एक बार रिविजन होमवर्क के माध्यम से और एक बार डिस्कशन के माध्यम से 2 बार रिवीजन हमारा हो चुका होगा। 17 नवंबर को एग्जाम है और उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, 8 से 17 के बीच में आपका लगभग 8 दिन बचता है। 8 दिन आप जॉब में हैं, कहीं भी हैं, छुट्टी लेके दिन में आप 5-5, 6-6 क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। कहाँ से करना है क्वेश्चन बैंक वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका जो क्या कहते हैं कि जो सिली मिस्टेक्स होता है, जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, वो सब चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो या तो आप किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं, इससे फ़ायदा आपका ये होता है कि आपका सिस्टमेटिक तरीके से आपकी पढ़ाई, आपका जो 60 दिन है वो आप डाइवर्ट नहीं होइएगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि 2-3 दिन हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, तीसरे चौथे दिन कुछ और काम आ जाएगा और हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इससे आपका फ़ायदा ये रहता है कि आप स्टिक रहिएगा अपने सिलेबस पे और 60वें दिन आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो सिस्टमेटिक वहाँ तक आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है आपको, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, तो एक तो SRS क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर पर SRS क्लासेस डालिएगा, ये वाला आपको दिखेगा लोगो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो 9241574570 पे आप बात कीजिएगा, तो आपका बहुत जो भी डाउट्स है इस कोर्स से रिलेटेड वो आपका बताया जाएगा कि क्या आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बैच से रिलेटेड, लेकिन अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है, अगर कोई जानना चाहता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ अपनी तैयारी, तो मेरा एक ही जवाब है कि देखिए, असंभव जीवन में कुछ भी नहीं है। आप जो चाहिएगा इस जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं, बस मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज है सफलता के लिए, मेहनत। किसी भी क्षेत्र में आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरी चीज है कि क्यों जरूरी है पढ़ना, क्यों जरूरी है। देखिए, आप जिस लाइफ में है, जिस जिंदगी में है, अगर आप सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रयास कीजिए बेहतर जीने का। ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम कॉम्प्रोमाइज करते करते बिता दें, आए और इस दुनिया से चले जाएं और किसी को फर्क भी नहीं पड़े, रत्ती पर फर्क नहीं पड़े। नहीं, स्टीव जॉब्स की एक लाइन है कि आई वांट टू पुट द डेंट इन द यूनिवर्स, मैं आया हूं यहां पे तो अपनी पहचान छोड़ के जाऊंगा। और पहचान छोड़ने के लाखों तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है जो कि पढ़ाई के माध्यम से होता है और जो मुझे लगा कि बहुत आसान है। पढ़ना बहुत आसान है, आपको पता चलना चाहिए कि क्यों पढ़ना है। अगर वाई आपका क्लियर है ना कि मुझे क्यों पढ़ना है, तो आप दिन रात एक करके मेहनत कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, और मेहनत कीजिए, किसी भी क्षेत्र में है मेहनत कीजिए, देखिए सफलता जरूर मिलेगी।